और राहुल के ब्रिटिश नागरिकता का मुद्दा आखिर कब उठा और उस पर राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया, ये आपको दिखाते हैं। नवंबर 2015 सुब्रमण्यम स्वामी का नागरिकता पर पीएम को खत, उसके बाद 2015 में ही भारतीय नागरिकता और संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की गई, जिसके बाद नवंबर 30, 2015 सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता के मसले में सीबीआई जांच की मांग की और अर्जी खारिज की। दिल्ली में बीजेपी सांसद महेश गिरी ने लोकसभा स्पीकर को खत लिखा, 2016 जनवरी का यह मामला है। उसी समय राहुल की नागरिकता को लेकर स्थिति साफ करने की मांग की गई। मार्च के महीने में 2016 में राहुल गांधी को नागरिकता के मसले पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया। आडवाणी की अध्यक्षता वाले लोकसभा पैनल ने जारी किया ये नोटिस और मार्च 23, 2016 राहुल गांधी ने दोहरी नागरिकता के मसले पर जवाब दिया। राहुल का जवाब, मेरी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है, मैंने कभी ब्रिटेन की नागरिकता नहीं ली, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा, मेरी पहचान एक भारतीय की है। स्वामी ने गृह मंत्री को राहुल गांधी के खिलाफ जांच के लिए अर्जी दी, ये सितंबर 2017 में उन्होंने किया और दिसंबर 2018 में स्वामी ने एक बार फिर ट्वीट कर दोहरी नागरिकता का मुद्दा उठाया। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।